कोरोना वायरस के चलते कई मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल पलायन कर रहे हैं, तो कई लोगों के लिए दो वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा। इसी कड़ी को देखते हुए नीमच जिले के दो मासूम बच्चे अपनी पॉकेट मनी से कोरोना वायरस के चलते जरूरतमंदों की मदद करने का रास्ता चुना। देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, बच्चों ने बताया कि यह पैसा जो मजदूर भूखे पेट सो रहे हैं उन्हें देंगे। जब नीमच पुलिस ने कहा कि आप बच्चों की तरफ से मैं सहायता कर दूंगा, तो यह दोनों बच्चों ने कहा नहीं, हमारी सहायता राशि आपको लेना पड़ेगी। अपना एक्सप्रेस न्यूज इन दोनों बच्चों के हौसले को दिल से सलाम करता है। वर्तमान में कोरोना वायरस फैल रहा है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले का एक छोटा सा गांव खेलड़ी के दोनों बच्चे कोरोना वायरस को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए अपनी पॉकेट मनी से जरूरतमंदों की सहायता करने का सुझाव बनाया। अपना एक्सप्रेस न्यूज देश की हर एक नागरिक से अपील करता है कि अगर आपकी गुंजाइश है कि आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं तो जरूर करें। इन छोटे छोटे बच्चों के हौसले को देखकर आप जरूरतमंदों की सहायता जरूर करें। हम आपको बता दें, जब घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, तो आज क्यों ना कोरोना जैसी महामारी से मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करें। नीमच जिले का एक छोटा सा गांव खिलड़ी के इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला जरूर बढ़ाएं। अगर आप सहायता नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर रहकर कोरोना जैसी बीमारी से बचें। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अपना एक्सप्रेस न्यूज एक बार फिर इन दोनों बच्चों को दिल से सलाम करता है। बेटा सर, देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। अच्छा, कोरोना वायरस फैल रहा है। अरे वाह, तो कोरोना वायरस फैल रहा है तो उससे क्या, किसको देंगे अपन ये? सब मजदूरों को, वो भूखे पेट सोते, भूखे पेट सोते इसलिए। अरे वाह यार बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? और आपका बेटा? पापा का नाम क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, तो आप सहयोग राशि देने आए हो? कहाँ से लेके आए आपने? गुल्लक से सहयोग राशि देने के लिए आपने गुल्लक तोड़ा, आपकी पॉकेट मनी देते थे? अरे वाह यार बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है यार। वैसे आपको ये चीजें कहाँ से मिली है कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है? अच्छा, आपके पापा से। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा मैं दे दूंगा आपके हिस्से का पैसा, आप रहने तो मैं दे दूंगा। आप ही को देना है? चलो ठीक है, बताओ। अरे वाह, ये तो इतने सारे कितने दिनों में इकट्ठे किए है? ओह चलो ठीक है। देखो दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस फैल रहा है, ये मध्य प्रदेश का नीमच जिले का छोटा सा गांव खेलड़ी, यहाँ से कंजाड़ा से 4 या 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर छोटे से गांव में ये बच्चे कोरोना वायरस के लिए सहयोग राशि लेकर आए हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अप्रिसिएट करें और लोगों को बताएं कि जिस तरह से अपन कोई भी सेलिब्रिटी आता है, पैसे देता है, उसे हम हाईलाइट कर देते हैं, उसे पूरे देश में हीरो बना देते हैं, पर इन बच्चों का क्या? जो बच्चे हमारे रियल हीरो हैं, ये अपनी कमाई से जितने पैसे उतने गुने ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको भी सुपर हीरो बनाएं। और मैं लोगों से और अपील करना चाहूँगा कि देश में इसी तरह से जिन बच्चों का हौसला है, उसी हौसलों से आप यदि सहयोग राशि ना दे पाओ, कम से कम ऐसे लोग घर के अंदर रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा, एक बार और नाम बताइए। केशव परिहार। और आपका? बड़े क्यूट हो, सॉरी हाथ लगाया, ठीक है, ओके, थैंक यू।